हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई मुनीलाल सर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू a very beautiful and inspiring poem, the ball poem. The title is the ball poem and it is written by John Berryman is an American well-known poet. So let's start this poem. द बॉल पोएम। सिमिलरली बॉल का अर्थ सिंपली हम लोग लेते हैं गेंद से, और रियल में यहां पर इस पोएम में भी बॉल का अर्थ बिल्कुल गेंद ही है। अब देखिए होता क्या है इसमें। अ बॉय लूजेज ए बॉल, कहता है कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, उसकी गेंद खो जाती है। लूज करना, खो देना, उस लड़के की गेंद खो जाती है। ही इज वेरी अपसेट, जाहिर सी बात है, बच्चा है, गेंद से खेलने वाला बच्चा है, और उसकी गेंद गुम हो गई तो वह उदास हो जाता है। वेरी अपसेट, बहुत अधिक उदास हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, तो पोएट कहते हैं ऐसे तो बॉल की कीमत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। ए बॉल डजंट कॉस्ट, कॉस्ट मतलब किसी चीज की कीमत होना, मच मतलब अधिक, तो बॉल की कीमत अधिक नहीं होती है, ज्यादा दाम नहीं होता है। किसी भी गेंद का जो दाम है, मूल्य है, वह अधिक नहीं होता। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और कहता है ना ही अनदर बॉल यानी दूसरी गेंद को खरीदने में कोई कठिनाई है। Why then is the boy so upset? तो फिर सवाल उठता है कि वह लड़का इतना अपसेट क्यों है। अपसेट मीन्स उदास, निराश। वह लड़का इतना निराश क्यों है, ये सवाल उठता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। रीड द पोएम टू सी व्हाट द Poet thinks has been lost. अब पोएम को पढ़ करके कहता है पता लगाइए कि कवि के अनुसार जो है क्या चीज खो गई। And what the boy has to learn from the experience of losing something. और कहता है उसी चीज को, कोई भी सामान के खो जाने पर What the boy has to learn, उस लड़के को क्या सीखना है, ठीक है। From the experience of losing something, किसी चीज के खोने के जो experience है, अनुभव है, उस अनुभव से उस लड़के को क्या सीख मिलेगी, उसे क्या सीखना चाहिए। आइए अब poem को start करता हूं मैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. चलिए यहां तक
हम लोग इसको, ये पोएम जो है एंजेमेंट के रूप में है, एक लाइन अभी खत्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो रही है, तो यहाँ फुल स्टॉप है, इसलिए यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ठीक है, कहता है वह लड़का, व्हाट इज द बॉय नाउ, नाउ अब वह लड़का क्या करता है, क्या है मतलब अब वह क्या करता है, कैसा है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, कौन सा लड़का, उस वही लड़का जिसकी गेंद गुम हो चुकी है, जिसकी बॉल खो गई है। व्हाट इज ही टू डू, और अब वह क्या करे, वो एक सवाल पूछता है कि अब लड़के को क्या करना चाहिए, क्या करने वाला है वह। आई सॉ इट गो, वो इट कहते हैं मैंने तो इसे जाते देखा, किसे, बॉल को, कहां जा रहा था बॉल, कैसे जा रहा था, देखो मैरिली बाउंसिंग, यह बॉल खुशी से उछलता हुआ, मैरिली ऐसे खुशी, तो बॉल तो निर्जीव है उसमें खुशी क्या होगी, अर्थात तेजी से, ठीक है, यह जो बॉल थी गेंद थी वह तेजी से उछलती हुई कहीं जा रही थी, डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, सड़क पर, मार्ग पर या गली में, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर कहता है यह बॉल उछलता हुआ कहाँ चला गया, इन द वाटर, पानी में चला गया, यानी बॉल गली से उछलती हुई आई और पानी में चली गई। तो ये देखो गली कूची में बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते बॉल जो है तेजी से उछाल मारती हुई पानी में चली गई, उसकी गेंद जो है पानी में जाकर गिर गई। अब पोएट कहते हैं नो यूज टू से, नो यूज टू से, नो यूज टू से मतलब बेकार, कहना बेकार है, नो यूज टू से कहना बेकार है, क्या कहना, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अरे बेटे दूसरी भी तो गेंदे हैं ना, अर्थात बहुत सारी दूसरी गेंदे हैं, तुम उनमें से किसी को ले लो, कहता ये कहना ही बेकार है उस बच्चे को, क्यों, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, एक अल्टीमेट मतलब अत्यधिक, अल्टीमेट मीन्स एक्सट्रीम, शेकिंग ग्रिप, ऐसा ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं कष्ट को, दुख को, और शैकिंग जो थर्रा दे, झकझोर दे, ठीक है, एक अत्यधिक झकझोरने वाला दुख फिक्सेस द बॉय, लड़के को जकड़ लेता है, कौन जकड़ लेता है, दुख, एक सैडनेस, एक उदासी, ठीक है, एक निराशा जो है उस लड़के को जकड़ लेती है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और कहता है चूंकि वह स्टैंड्स रिजिड, एकदम रिजिड हो चुका है वह बच्चा, रिजिड हो गया मतलब रिजिड मीन्स ऐसे सख्त, कठोर, यहां कठोर उसका व्यवहार हो गया है, कठोर, जिद्दी बन गया है वह, ठीक है, ट्रेम्बलिंग, थर थर कांप रहा है, स्टेरिंग डाउन, और टकटकी लगाकर एक टक देखता रहा या देख रहा है, ऑल हिज यंग डेज, कहता है अपने बचपन के दिनों में, इनटू द हार्बर, इधर देखता रहा उस हार्बर को, उस बंदरगाह को, हार्बर होता है समुद्र का किनारा जहां पर जहाज ठहरते हैं, जहाज को रुकने की व्यवस्था जहां पर होती है, ठीक है, तो उस हार्बर को वह बच्चा बचपन के दिनों में देखता रहता है, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई थी, ठीक है, बचपन के दिनों में वह बच्चा बार बार उसी हार्बर पर जाता है
और टकटकी लगाकर देखता रहता है। इससे पता चलता है कि वह बच्चा इस क्या हो गया, एकदम रिजिड हो गया है, स्टैंड्स रिजिड, वह कठोर हो चुका है एकदम। मेरी जो गेंद गई है तो मुझे वही गेंद चाहिए, ये मतलब हुआ कि दूसरी गेंद वह लेने वाला है नहीं। I would not intrude on him। अब राइटर यानी पोएट जो कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा उनमें। इंट्रूड मतलब होता है बिना मतलब का किसी के निजी काम में दखल देना, उसको इंट्रूड करना, घुसपैठ करना, या कहो दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। कहता है मैं बेवजह उसमें दखल नहीं दूंगा, यानी उस लड़के की जो यह समस्या है उसमें मैं दखल देना नहीं चाहता। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। देखो कहता अ डाइम मीन्स 10 सेंट क्वाइंस, 10 पैसे, जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं छोटी इकाई, उसी तरह से डॉलर में सेंट होता है डॉलर की छोटी इकाई। तो डाइम मतलब 10 सेंट, 10 सेंट अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब कहता है वह लड़का को यह कह दे कोई कि अरे 10 पैसे की तो गेंद है, अनदर बॉल कोई दूसरी गेंद ले लेना। कहता इज वर्थलेस, ये कहना कहता है ये 10 पैसे का जो मूल्य है गेंद की, कहता ये तो वर्थलेस है, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस इसका है नहीं, बेकार है। अरे 10 पैसे की तो गेंद है, ये तो वर्थलेस है, ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, ज्यादा वैल्यूबल नहीं है। नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पोएट क्या कहते हैं कि अब वह बच्चा अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। सेंस मतलब फील करना, महसूस करना, प्रथम जिम्मेदारी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब वह बच्चा समझने लगा है। यहां फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस बच्चे ने जो गेंद खो दी, तो उसे लगता है कि गेंद जो खो गई, मैंने गेंद की रक्षा नहीं कर पाई है, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं गेंद की रक्षा करूं, मैं गेंद को जो है गुम होने से बचा पाता, नहीं बचा पाया। इसका मतलब हुआ बच्चा सोच रहा है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाया, इस बात का उस बच्चे को दुख है। इन ए वर्ड, इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस। अब क्या कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, यानी यह जो संसार है पोजिशन का, पोजिशन मतलब अधिकार, नियंत्रण, ठीक है, हर इंसान जो है ना किसी ना किसी चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं, अपने अधीन ज्यादा से ज्यादा चीजों को करना चाहते हैं, इसलिए कहा गया इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। इंसान क्या करता है दिन रात, इसी में तो लगा हुआ है, पोजिशन पोजिशन यानी कंट्रोल करना, ठीक है, अपनी संपत्ति पर, और हो सके तो दूसरों की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा जो है कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। तो कहता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, इस पोजिशन पर इस ये संसार जो है अधिकार जमाने वाला जो यह संसार है, पीपुल विल टेक बॉल्स, ठीक है, कहता है लोग गेंदें तो खरीद लिया करेंगे, एक नहीं कई गेंदें लोग खरीदेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ पोजिशन है ये, यहां पर सब कुछ बिकता है, सारी चीजें यहां बिकाऊ है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और कहता है फिर बॉल जो है हमेशा गुम होती भी रहेंगी, तो संसार ही ऐसा है। लिटिल बॉय, ओ नन्हे बालक, कभी समझा रहे हैं कि बेटे यह जो है ना संसार, वर्ल्ड ऑफ पोजिशन है ये, ठीक है, यह संसार एक जो है दूसरे पर नियंत्रण करने वाला है, एक जो है व्यक्ति दूसरे पर नियंत्रण करना चाहता है, या कहो किसी संपत्ति पर नियंत्रण करना चाहता है, भौतिक चीजों पर, ऐसो आराम की चीजों पर नियंत्रण करना चाहता है। तो ये गेंद भी है ना, तो इस पे भी तो तुम नियंत्रण कर सकते हो ना, एक नहीं अनेक बॉल तुम क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, और हो सकता है
गेंद फिर तुमसे गुम हो जाए, ये बार बार गुम होने वाली चीज है, यानी संसार में कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है। इसलिए कहा कि एक गेंद खो जाने से क्या होगा, अरे कई गेंदें अभी तुमसे खो सकती हैं। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, और कहा संसार का नियम है कि जो चीजें गुम हो जाती हैं, जो चीजें हमसे अलग हो जाती हैं, जो चीजें हमसे बिछड़ जाती हैं, वह फिर दोबारा नहीं मिलती। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कवि कह रहे हैं बॉल के रूप में, यहाँ बॉल का मतलब केवल बॉल नहीं। नो वन बायज ए बॉल बैक, यानी वह बॉल जो लड़के से गुम हो गई, अलग हो गई, वही बॉल तो कोई नहीं खरीद सकता। जो एक इमोशनल अटैचमेंट था उस लड़के का उस बॉल के साथ, भावनात्मक लगाव था, जुड़ाव था उस बच्चे का, तो इसलिए वह लड़का वही बॉल लेने के लिए रिजिड हो गया। अब देखो ये हमारा ह्यूमन नेचर है ना, कोई भी चीज हमसे गुम हो जाए, जिसको हम बरसों से रखें संभाल करके, चाहे वह इंसान हो, ठीक है, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भौतिक वस्तुएं ही क्यों ना हो, उनके साथ एक जो है इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है इंसान का, और वह चीज वह इंसान जब हमसे अलग हो जाता है तो काफी पीड़ादायक होता है, या हृदय विदारक यह घटना होती है। तो यही कह रहा है वह यहाँ पर पोएट कि बॉल तो भाई कोई खरीद नहीं सकता अब वापस। यहाँ बॉल का मतलब वह बॉल जो उस लड़के ने खो दी, सेम वही बॉल तो दोबारा नहीं मिल सकता। दुनिया में विकल्प मिल सकता है हमको, अल्टरनेट जो है कोई चीजें हमें मिल जाए, उसी की तरह मिल जाए हूबहू, लेकिन वही चीज नहीं मिलेगी। मनी इज एक्सटर्नल, देखो क्यों इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन है, मनी इज एक्सटर्नल, ये मनी जिसके पीछे इंसान लगातार भागता रहता है। इंसान जो है रात दिन यही प्रयास करता है ना, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो कहता भाई मनी तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीज है, ये बाह्य चीज है मनी। ही इज लर्निंग, यानी अब वह सीख रहा है, वह लड़का क्या सीख रहा है कि कोई भी आदमी बॉल दोबारा नहीं खरीद सकता, अर्थात एक चीज जो हमसे अलग हो गई वह फिर नहीं मिलेगी, और मनी एक्सटर्नल है अर्थात पैसे से हम सब चीज नहीं खरीद सकते, पैसे से हमें जो है वह भावनाएं, वह भावनात्मक जो लगाव था वह नहीं मिल सकता दोबारा। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, कहता है वह बच्चा अब क्या कर रहा है, लर्निंग सीख रहा है। वेल अच्छी तरह, बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज यानी निराश आंखों के पीछे, अर्थात बच्चा काफी डिस्क्रीट है, निराश है, हतोत्साहित है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, लॉस मतलब गुम हो जाना, नुकसान, ठीक है, घाटा। तो उस घाटे का या उस हानि का क्या मतलब हो रहा है, क्या अर्थ है, ये बच्चा अब समझने लगा है। और क्या, हाउ टू स्टैंड अप, और किस तरह से स्टैंड अप होना है, अपने आप को कैसे संभालना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और कहता है यह भी बच्चा जान रहा है कि एक ना एक दिन हर इंसान को यह सत्य जानना पड़ता है, यह सच्चाई से अवगत होनी पड़ती है हर इंसान को। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कहता है अधिकांश लोग क्या करते हैं, मैनी डेज बहुत दिनों बाद, कई दिनों तक कहता है वे सीखते ही रहते हैं हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से हम विपत्ति में, निराशा में, संकट में अपने आप को संभालें, ठीक है, कैसे निराशा से बाहर निकलें, कैसे हम
संकट की स्थिति से बाहर निकालें अपने आप को, यह भी सीखना पड़ता है इंसान को। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, पहले बता दिया कि क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशन है। और एक बात, जो चीजें हमसे एक बार बिछड़ जाए, जुदा हो जाए, अलग हो जाए, जिस चीज की हानि हो जाए, फिर उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते दोबारा, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है और जो हमारी भावना है वह इंटरनल है। तो भावनाओं को हम मनी से नहीं खरीद सकते। जो चीजें इंटरनल होती हैं उसको एक्सटर्नल चीजों से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यही सार है, यही थीम है इस पोएम का। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम ठीक से समझ में आ गई है। और इसके लिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स का मैंने मीनिंग बताया वह मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसे लिख लेंगे अपनी नोटबुक पर, आप उसे लिख लें। मैं आपको उसका पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूँ। ये देखिए आपका ये रहा पीडीएफ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। देखो इसको मैं आपको पूरा दिखला देता हूँ स्क्रॉल करके। चलिए इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये आपका रह गया पीडीएफ, आप इसको पूरा स्क्रॉल कर ले। ये देखिए आपको मैं कुछ मिनट के लिए, आप रुक करके वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ये देखिए एक बार और ले लीजिए, थोड़ा लंबा पेज है, कुछ वर्ड आपका नहीं आएगा एक साथ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके आप ले लेंगे। ये देखिए ये पूरा है और इन्हें आप याद कर लें, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ जाएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने यार दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक करें। और एक काम करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।